भगवान, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ बहुत ही लाजवाब और शानदार मिठाई, जिसको कि एप्पल स्वीट भी बोलते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम खर्च में आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये मिठाई बहुत बन जाता है, 10 से 15 मिनट में आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर। अब उसमें हम डालेंगे 3/4 कटोरी चीनी, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी लेंगे, क्योंकि हमें इसे चाशनी बनाना है 1 तार की। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी से भी कम पानी और इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। इस तरह से घोलते हुए हमें चीनी को पूरा मेल्ट होने देना है। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है। अब इसे हम 1 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा चीनी गाढ़ी हो चुकी है, अभी तार नहीं बन पा रहे हैं, थोड़ी देर और देख लेते हैं। ये देखिए अब हमारा चाशनी बिल्कुल तैयार है, 1 तार आराम से बन रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर और इसे हम धीरे धीरे चाशनी में डालेंगे, एक बार में सारा मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे। ये देखिए हमने धीरे धीरे चाशनी में मिल्क पाउडर डालना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हमें सारे मिल्क पाउडर को चाशनी में डाल देना है और इसे अच्छे से मिला देना है ताकि लम्स नहीं पड़े। देखिए हमने सारे मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है, तेज आंच पर करेंगे तो हमारे कढ़ाई के तले में जलने का डर होता है। और बीच बीच में हम 1-1 चम्मच घी डालते जाएंगे ताकि हमारा मिश्रण है वो कढ़ाई में सटे नहीं। देखिए हमने इस तरह से 2 चम्मच घी इसमें डाल दिया है और हमारा परफेक्ट डो तैयार हो गया है। अब ये बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, तो इसी तरह से हमें डो तैयार करना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो गैस को हमें ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा इसे चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। तो यहाँ पर हमने थाली में निकाल लिया है सारे मिश्रण को। अब इसे हम ठंडा करेंगे, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें गर्म में ही इसे अच्छे से मसल मसल के इसे चिकना कर लेना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे चिकना कर लिया है हाथ की मदद से, और हाथ में थोड़ा सा हमने घी लिया है और इससे अच्छे से डो तैयार कर लिया है। अब हम इसका मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़े थोड़े जैसे रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं छोटे छोटे गोल गोल, उसी तरह से हमें छोटे छोटे लोई लेना है और इस तरह से बीच में उंगली से इस तरह से दबाएंगे और चारों तरफ से भी थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ताकि एप्पल का शेप लगे। इस तरह से हमने देखिए चारों तरफ से उंगली से डिजाइन बना दिया है, क्योंकि एप्पल एकदम गोल नहीं होते हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इस तरह से हमने एप्पल का शेप दे दिया है। इस तरह से हम प्लेट में रखते जाएंगे बना बना करके। अब हम दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से हमने देखिए 1 थाली बना लिया है। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है देखिए लवंग, थोड़े से लवंग ले लिया है और थोड़े से तुलसी जी के पत्ते ले लिए हैं और ऑरेंज कलर ले लिए हैं। उसको हमने पानी में थोड़ा सा घोल लिया है। अगर आपके पास पुदीना के पत्ते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो पिस्ता जो होते हैं हरे हरे, वो भी आप इसे कट करके लगा सकते हैं ताकि लगे कि एप्पल में पत्ते हैं। तो अब हम 1-1 पीस लेंगे और इस तरह से लवंग लगाते जाएंगे, एकदम दबाना नहीं है अंदर में लवंग को, थोड़ा सा हमें बाहर ही रखना है। इस तरह से लगाएंगे तो एप्पल खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए हमने सारे में इस तरह से
लगा दिए हैं। अब इसको हम कलर कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर को पहले से ही घोल लिया था। अब एक ब्रश की मदद से एक एक एप्पल को लेंगे और इस तरह से कलर करेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप एक पतला लकड़ी में आप इसे रुई से भी घोल करके और ब्रश बना सकते हैं। वैसे बच्चों लोग के ड्राइंग में ब्रश आसानी से मिल जाएंगे, घर पर अवेलेबल होता ही है सबके। तो इस तरह से हम ब्रश के मदद से चारों तरफ से कलर को कर लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम ओरिजिनल एप्पल की तरह लग रहे हैं चारों तरफ से। थोड़ा सा बीच में हम छोड़ देंगे और चारों तरफ से इस तरह से कलर कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये स्वीट है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम सारे एप्पल को कलर कर लेंगे। और ये फूड कलर है, कोई ऐसा हानि करने वाला नहीं है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप केसर के धागे से भी कलर कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध में केसर के धागे मिला दीजिए और इस तरह से कलर कर लीजिए। और इसमें अब हम तुलसी के पत्ते को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक एक पत्ते को लगाते जाएंगे और एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से हम दूसरों में भी लगा लेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तो आप पिस्ते को भी लगा सकते हैं या पुदीना के पत्ते को भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सारे एप्पल स्वीट को तैयार कर लिया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी वो प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.